Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी के साथ एक success story share करना चाहूँगा. करीबन 2:30 बजे मुझे Instagram के ऊपर एक message आता है और message में लिखा होता है thank you so much for the knowledge and उसी के साथ एक statement लिखी हुई होती है और उसमें लिख के आता है कि उन्होंने kotak standard multicap growth fund लिया हुआ था, 65,000 रुपए invest किया था और इस समय पर उसकी value जो है वो 85,000 हो चुकी है and she was earlier thinking to invest that same amount in FD. तो इसीलिए ही उन्होंने ये स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया and मैडम अगर आप देख रहे हैं तो आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने ये शेयर किया and अपनी सक्सेस स्टोरी हर किसी को दिखाई. उन्होंने ये भी बताया कि आपने हर एक चीज पोर्टफोलियो एक्सपेंस रेशियो विद दैट डाइवर्सिफिकेशन बताई मुझे, मैंने एनालाइज करी, देन आफ्टर दैट मैंने एक इन्वेस्टमेंट. तो अभी आप देखेंगे आगे kotak स्टैंडर्ड मल्टीकैप ग्रोथ फंड का रिव्यू और उसी के साथ साथ क्या रिटर्न्स है इस पर्टिकुलर फंड के. तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अब तो कर लेना एंड उसी के साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक करके जाना. तो अगर बात करता हूँ एज अकॉर्डिंग टू kotak स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अकॉर्डिंग इसका NAV 44 रुपीज़ का रहेगा. इट मीन्स एक यूनिट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 44 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे. अब मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि कंपनी का पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन किया गया है. यहाँ पर आपका 99.02% जो है वो इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें से 65.99% आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप कैटेगरी, 24.36% जो अमाउंट है वो मिडिल कैप कैटेगरी एंड उसी के साथ साथ स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर 1.52% एंड रेस्ट ऑफ जो अमाउंट रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेब्ट एंड उसी के साथ साथ लो रिस्क फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर. इसी के साथ साथ मैं आप सभी को ये भी दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में क्या रिटर्न्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है. एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन ईयर द एनुअलाइज रिटर्न इज 15.66%. एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 10 ईयर अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 14% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है एंड सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट हुई है 2009 के अकॉर्डिंग 13.98% का कंटिन्यूस रिटर्न कंपनी आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रोवाइड कर रही है. यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा अगर आप SIP के अकॉर्डिंग देखते हो तो 5 साल के अंदर 14.69% का इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर मिल रहा है. अब मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन देना चाहूंगा. लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूं एट प्रेजेंटली 5 साल के लिए और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कंसीडर करता हूं ऑनली एंड ऑनली 14% एज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न ऑफ द फंड. और यहाँ पे मेरा इनिशियल बैलेंस है 5,000 रुपीज़ और मंथली कॉन्ट्रीब्यूट भी जो है मैं 5,000 रुपये ही कर रहा हूँ. उसके अकॉर्डिंग जो मुझे रिटर्न बन जाता है वो बन जाता है 4,41,003 रुपये का. इट मीन्स अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ 5,000 रुपये के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन भी निकालते हैं तो एक साल में मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो 60,000 हुआ और 5 साल के अंदर 3,00,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 4,41,000 रुपये का जो अमाउंट है वो मुझे कंपनी प्रोवाइड करी है एज अकॉर्डिंग टू 14%. अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू अदर एस्पेक्ट जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को करते हुए, अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर तो वो बेस्ट रहेगा क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.70% का ही एप्लीकेबल रहेगा उस लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 33,461 करोड़ रुपीज़ का टोटल टर्नओवर है. इट मींस कितने सारे इन्वेस्टर एट प्रेजेंटली इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड विद दैट कंपनी आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रही है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपना पैसा जो है बाहर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो भी लिक्विडेट कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इस समय पर आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आप अभी अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर के अंदर. एज यू कैन सी फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, FMCG, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, टोटल हर एक इंडस्ट्री के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंटली. और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो 27.94% एंड अलॉन्ग विद दैट एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका 12% जो है वो कंपनी अलोकेट कर रही है.
अब अगर हम बात करते हैं कंपनीज के अकॉर्डिंग, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दीज आर द टॉप नॉच कंपनीज राइट नाउ। अगर आप देखते भी हैं या अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी कैसे वर्क करती हैं एट प्रेजेंटली, एंड उसी के साथ साथ हर एक क्वार्टर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट इन कंपनीज ने अभी तक अर्न किया है। ये तो मैंने आपको दिखाया सेक्टर्स एंड उसी के साथ साथ कंपनीज भी। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस पर्टिकुलर फंड को इस समय पर कौन मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा हर्षा उपाध्याय। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस, 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड टोटल AUM 41,121 करोड़ रुपीस का हैंडल कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट स्कीम्स की अगर बात करता हूं तो 9 स्कीम्स इस समय पर हैंडल कर रहे हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का। एंड अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट 5 ईयर के लिए और उसी के साथ साथ कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अगर हम रिटर्न भी कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ अराउंड 16.38%। यहाँ पर अगर एक इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में मिनिमम प्रीमियम अमाउंट इज 500 रुपीज़ और अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,000 रुपये के करीबन रहेगा। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन दैट केस इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट विद 5,000 रुपीज़ अमाउंट इन दैट केस आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 साल के अंदर 3 लाख रुपये का होगा और उसके हिसाब से आपको 4,41,003 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। यही चीज़ उन्होंने भी मुझे दिखाई मैडम ने, तभी ही मैंने आप सभी को भी दिखाया और इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अगर आप मोर क्लैरिटी चाहते हैं तो उस केस में मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप सभी के माइंड में हो तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के आंसर जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूएलए पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर आपका रिस्क एपेटाइज थोड़ा सा हाई है तो इन दैट केस आपके लिए ये बेस्ट प्लान रहेगा आने वाले समय के लिए एंड एज अकॉर्डिंग टू द FD returns, क्योंकि FD के अंदर जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 6% का है। बट राइट ओवर हेयर इफ़ यू विल इवन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट केस द रिटर्न अमाउंट विल बी अराउंड एंड अराउंड 12-14% ईजिली आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर गेन कर पाएंगे आपकी वैल्यूड मनी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ नाइस डे दोस्तों। एंड इस पर्टिकुलर फंड को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन यूटिलाइज ग्रो एप्लीकेशन और पेटीएम मनी ऑल्सो।